आहे बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है। दादी, मैंने आपको इशारा भी किया था। अब मुझ बुढ़िया को इस उम्र में क्या इशारे नजर आएंगे। अरे वाह जी वाह, अब आप बुढ़िया होगी। वैसे आपको कोई उम्र रसीदा बोल दे तो आप उसका खून पी जाए। क्या कहा तुमने? दादी उसे छोड़ो, मुझसे बात करें आप। अरे बेटा, तुम जिद छोड़ दो ना नौकरी की, शादी का सोचो। आप तो प्लीज कुछ बोलने ही मत, आपको तो बस नहीं चलता कि रात चलते किसी भी हैरी के रिक्शा में निकाह पढ़वा दें। अभी वो इंटरनेट पर आया था तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी और तुम्हारे इंटरव्यू वाले से सवाल जवाब कर रही है। चलता है क्या आपके दिमाग में? अम्मा, माँ हूँ, फिक्र रहती है तुम्हारी। जाहिर है फिक्र तो होगी, बाप का साया भी तो नहीं है, बाप होता तो फिक्र न होती। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ क्या मतलब, क्या है बाप होता? बाप है मेरा, अपनी ना बकवास बनते रहो तुम। और वाईफाई का पासवर्ड क्यों चेंज किया तुमने? वहाँ मैं इंटरनेट वाले से लड़ रही हूँ, उल्टा मुझे चला के चला गया। अरे सारा बाजी, मुझे शक है कि नीचे वाले हमारा इंटरनेट यूज करते हैं, इसलिए मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। और नया पासवर्ड है आई मिस माय फादर। और सुबह मेरा फोन में अलार्म भी नहीं बजा और वॉल क्लॉक भी नहीं चल रही थी मेरी। उसके सेल भी मैंने निकाले थे। तो दादी ने बोला था? नहीं नहीं बेटा, वो टीवी के रिमोट के सेल खराब हो गए थे ना। दादी यहाँ मेरा करियर खराब हुआ है और आपको टीवी के रिमोट की पड़ी हुई है। अरे क्या करूँ बेटा, बिजली का बिल देख कर तो मेरा फोन कॉल उठा था, उसी गुस्से में बोलती चली गयी। अम्मा प्लीज, आप तो बेटे का मसला हल करवाएं। बेटा आज वो शाहिदा खाला की बरसी है तो कुरान खाने में जब जाएंगे बात कर लेंगे। अब बैठो, खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। आए आप भी आए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोटियाँ लेकर आओ। फिर तो सारा इंटरव्यू खराब करती है, भूख ही नहीं लगती। लो ऐसे नहीं करते, लो चाप